What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family. तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि 4 बजे एग्जैक्ट आप लोगों को ये वीडियो मिलने वाली है और आज वो भी क्विज के साथ में, तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं फुल जोश के साथ में। और ये जोश इसी तरीके से आप लोगों का हाई रहना चाहिए ताकि शाम तक इफिशेंटली आप लोग अपने दिन को यूटिलाइज कर सकें। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक वार्म अप क्विज के साथ में, यानी कि आप लोग की आंखें खोलने वाला ये क्विज है। पहले इसको देखते हैं, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर, आप लोगों को बताना है राज्य का नाम, किस राज्य के द्वारा इंडस रिवर डॉल्फिन जो कि पाई जाती है ओनली ब्यास रिवर के अंदर में, ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल, इसके बारे में बताना है कि किसके द्वारा इसको स्टेट का एक्वेटिक एनिमल बनाया गया है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक रेगुलेटरी एजेंसी कंट्रोल के बारे में, आप लोगों को बताना है इस एजेंसी का नाम क्या है जो कि हमारी कंट्री में प्राइस कंट्रोल करती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के बारे में, यह बनाई गई थी 29 अगस्त 1997 में। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है यहां पर एक राज्य का नाम जो कि फर्स्ट राज्य बन गया जिसके द्वारा मॉनिटर करने की बात की गई यहाँ पर, किससे रिलेटेड, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट, यानी कि दवाइयों का जो प्राइस है वो ज्यादा घट बढ़ नहीं रहा है, दवाइयों का जो प्राइस है वो कम से कम ऐसा होना चाहिए जैसा कि जनता को फायदा जिससे पहुंच सके, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर ये राज्य कौन सा है जिसके द्वारा यहाँ पर अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत अपने एरिया में प्राइस को यहाँ पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है। बुक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, अयोध्या सिटी ऑफ फेथ और सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि आस्था या फिर मतभेद की सिटी है, ये काफी शानदार किताब है जो कि लिखी गई है। इस किताब के राइटर कौन है ये बताना है, आयुष मिनिस्टर श्रीपद यासो नायक, इनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन का NIUM, तो कहां पर ये इंस्टीट्यूट खोला गया, सेंटर के द्वारा यहाँ पर रिलीज किए गए 1600 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, एक और राज्य का नाम आप लोगों को बताना है ताकि यहाँ पर डिजास्टर जो कंडीशन है उसको सुधारा जा सके, यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो कौन सा है ये एक और राज्य, ये 4 राज्य हैं जिनमें से एक राज्य आप लोग यहाँ पर गायब है। नेक्स्ट बात की जा रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक राज्य के द्वारा ये बोला गया कि म्यांमार के यहाँ पर जो रिफ्यूजी हैं वो सारे हमारी कंट्री में है और म्यांमार इसको वापस नहीं ले रहा है, तो इसका हम लोग क्या सोल्यूशन निकाले, तो यहाँ पर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पर गुहार लगाएगी इस राज्य के द्वारा। तो आप लोगों को पता है ये राज्य कौन सा है, हमारा पड़ोसी देश है। और एक और हिंट है यहाँ पर, इसकी हम लोगों ने हेल्प भी की थी 1971 में, आप लोगों को याद होगा, तो वही राज्य है जिसको उस टाइम पर इस पाकिस्तान बोला जाता था। अब इससे फालतू अगर आप लोगों ने अभी इसका आंसर सही नहीं दिया ना तो फिर डंडी लेके मारूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इससे फालतू क्या बताऊँ, ईस्ट पाकिस्तान तो कम से कम रट जाना चाहिए, आप लोगों को इतनी बार बता चुका हूँ। तो ये कंट्री कौन सी है, राज्य बोल रहा था, सॉरी कंट्री कौन सी है, ठीक है, अभी आंसर बताऊंगा, आंसर को मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना मत भूलिएगा। एक एक कर देख लेते हैं, सबसे पहले बात की जा रही है पंजाब के बारे में, पंजाब है यहाँ पर ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो कि रिवर डॉल्फिन को यहाँ पर स्टेट एक्वेटिक एनिमल बनाने की बात कर रहा है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जिसको आप लोग NPPA बोलते हैं, ये यहाँ पर ये प्राइस कंट्रोल करने वाली एजेंसी है जो कि 29 अगस्त 1997 में बनाई गई थी। केरला फर्स्ट राज्य बन गया हमारी कंट्री में जो कि प्राइस कंट्रोल करने की बात कर रहा है और मॉनिटर करने की भी बात कर रहा है। बुक अयोध्या सिटी ऑफ फेथ और सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि मतभेद या फिर आस्था की सिटी है, तो विलय सिंह के द्वारा ये किताब लिखी गई है, तो किताब का नाम जरूर याद रखें क्योंकि अयोध्या को लेकर काफी लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है। यहां पर आयुष मिनिस्टर श्रीपद यासो नायक के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन, तो ये NIUM, तो कहां पर रखा गया, गाजियाबाद, कहां पर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, सेंटर के द्वारा रिलीज किए गए 1600 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और यह राजस्थान, रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन है यहाँ पर किस तरीके से डिजास्टर जो आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये स्पेशल फंड आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो 4 राज्य हैं यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट का भी इसमें से एक राज्य है मणिपुर, ये आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है डायरेक्ट। नेक्स्ट बांग्लादेश है वो कंट्री जिसके द्वारा गुहार लगाई गई कि भाई साहब ये जो यहाँ पर म्यांमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, खासकर जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, इनको वापस बुला लो क्योंकि हमारी कंट्री में कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है 6 से 7 लाख के बीच में रिफ्यूजी आज के में बांग्लादेश के अंदर में है, म्यांमार में उनका जिनोसाइड करने की कोशिश की गई और बहुतों का किया भी किया, तो जान बचाकर भागे बेचारे, एक साइड कुआ तो दूसरी साइड में खाई, तब जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई, तो इस तरीके से आप लोग समझिए इसको। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाता है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ये कई बार इस तरीके के जो ग्रुप हैं उनके बारे में और कंट्री का नाम आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो कैसा रहा आप लोगों का क्विज जरूर बताइएगा, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और आप लोगों को याद होगा एक इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, उसमें इसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। तो अगर ढंग से आप लोगों ने नैनो मैगजीन सुनी होगी तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है ये वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिला है 2019 में एनुअली। यहां पर WABA इसको क्या बोलते हैं, ये है यहां पर वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। ये यहां पर एक तरीके से कोऑर्डिनेट करती है एंड ऑर्गेनाइज कराती है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये वीक ऑर्गेनाइज कराती है। नेक्स्ट बात की जा रही है इस साल यहां पर जो बोला जा रहा है ऑन प्रोटेक्शन प्रमोशन एंड सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये यहां पर फोकस एरिया है अब की बार का। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, डी में बोला जा रहा है यहां पर ये ऑल ऑफ द अबो। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो क्या है आंसर आप लोगों के हिसाब से, ए बी सी या फिर डी? तो जो आंसर है इसका सही यहां पर ये है इसका डी। जी हां, डी आंसर सही है। इसी के साथ में सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने यहां पर सही है। और जो बात की यहां पर वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो गठन किया गया था ये 14 फेब याद रखिएगा, 14 फेब 1991, यानी कि हमारी कंट्री में जब एलपीजी रिफॉर्म आए थे तब यहां पर इसका गठन किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से आप लोगों को पता है स्टार्टिंग के 6 महीने होते हैं बच्चे के, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग अगर मिल जाए तो उसकी बॉडी जो होती है इम्यून सिस्टम एक तरीके से क्रिएट कर लेती है अपना खुद का बीमारी से लड़ने का। तो ये बात याद रखते हैं इसके बारे में। तो आंसर यहां पर डी हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है पश्मीना गोट के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट बकरी है जो कि यहां पर पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है, और इसी की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर जो लोकल कम्युनिटी है उनको काफी फायदा होता है, क्योंकि काफी महंगे इसके कपड़े यहां पर बेचे जाते हैं मार्केट के अंदर। स्पेशल ब्रीड है यहां पर गोट की जो कि इंडिजिनसी है और पाई जाती है हाई एल्टीट्यूड रीजन लद्दाख के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर ये एक तरीका अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वुल जिसको पश्मीना वंस वन के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा बोला गया कि ये एक तरीके से जो गोट है यहां पर जनरली डोमेस्टिकेटेड की जाती है रेयर नोमेडिक जो कम्युनिटी है बकरवाल। तो ये तीनों स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट सही है, ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 1 ओनली, डी में बोला जा रहा है 1 एंड 3। ठीक है, तो 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 और 1 एंड 3, ए बी सी एफ डी क्या आंसर सही है। पश्मीना गोट पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि ये नॉर्थ इंडिया इनके जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख वाले रीजन में पाई जाती है, ये वही लद्दाख जिसको अब हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर ये यहां पर ये भी यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, इंडिजिनस है यहां पर ये, हाँ बिल्कुल सही है, हमारी कंट्री में ही ये आप लोगों को डेवलप होती है यानी कि बढ़ती नजर आती है। काफी शानदार ये फाइन तरीके का यहां पर ये आप लोगों को सोल नजर आता है इसका, जो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं पर, लेकिन जो डोमेस्टिकेटेड की जाती है यहां पर ये है चंगपा CHNGPA, ये तो चंगपा कम्युनिटी है ना कि बकरवाल कम्युनिटी। बकरवाल कम्युनिटी का नाम क्यों दिया गया, बकरवाल कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो यहां पर एक लड़की का रेप किया गया था जम्मू कश्मीर में, छोटी सी बच्ची का जब रेप किया गया था तो काफी न्यूज में थी उस टाइम पर। तो ये है यहां पर बकरवाल कम्युनिटी। ठीक है, तो यहां पर जिनको मारकर भगाने की कोशिश वहां से की जा रही थी, तो बकरवाल कम्युनिटी नहीं है यहां पर, ये चंगपा कम्युनिटी है और यहां पर लद्दाख रीजन में बेसिकली ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर इसका ए हो गया, लास्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर संकल्प प्रोजेक्ट के बारे में। ये संकल्प प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है और क्या क्या बातें इसके बारे में, सही स्टेटमेंट क्या है ये आप लोगों को बताना है, करेक्ट पूछा गया है। संकल्प प्रोजेक्ट ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया यहां पर ये एक तरीके से फोकस देने की बात की जा रही है शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वोकल एजुकेशनल ट्रेनिंग जो इनपुट रिजल्ट होते हैं उनके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, यानी कि संकल्प एक तरीके से किया जा रहा है कैसे यहां पर हमारी कंट्री में वोकेशनल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर फोकस दिया जाए। तीसरी बात की जा रही है संकल्प का जो एम है इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जा रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को इंप्लीमेंट करने का काम है संकल्प मिशन का, क्या स्टेटमेंट सही है, ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबो। सही स्टेटमेंट बताइए ए बी सी एफ डी, सही स्टेटमेंट क्या है यहां पर, सही स्टेटमेंट है यहां पर डी, यानी कि सारे के सारे यहां पर सही है। तो संकल्प प्रोजेक्ट अगर आप लोगों से कोई पूछे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगा कि आप लोगों से डायरेक्ट मिनिस्ट्री पूछेंगे, तो मिनिस्ट्री कौन सी है संकल्प प्रोजेक्ट की, ये अगर आप लोगों से कोई पूछे तो देखिए स्किल की बात की जाए तो सीधी सीधी बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आज की डेट में मिनिस्टर कौन है यहां पर, यह है महेंद्र नाथ पांडे। तो इनके उपलक्ष इनके अंडर में यहां पर यह मिनिस्ट्री काम कर रही है जो कि बेसिक यहां पर किस तरीके से स्किल वगैरह यहां पर प्रोवाइड करानी है, और यह फोकस दिया जा रहा है कि 3.5 यानी कि लगभग 3.5 करोड़ यूथ को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग फील्ड में ताकि उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जा सके, और यह हमारी कंट्री में नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है उसी का पार्ट है यहां पर, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था यह मिशन। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, बाकी ये सब चीजें हैं मेक इन इंडिया के तहत यहां पर काम किया जा रहा है और स्वच्छता
स्वच्छता अभियान भी यहाँ पर इसका पार्ट है। देखिए ये सारी चीजें एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि अपना अप टू द मार्क चीजों को लेकर चलना, ठीक है। और इसी के साथ में मेक इन इंडिया तभी होगा जब हमारी कंट्री में हमारी कंट्री के लोग काम करेंगे, इस तरीके से आंसर डी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये बात की जा रही है इंस्टीट्यूट ऑफ एविडेंस के बारे में, यानी कि वो इंस्टीट्यूट जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें बोला जा रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या एम है यहाँ पर कि हमारी कंट्री में ये इंडियन इंस्टीट्यूट टू द ग्लोबल रिकग्निशन मिले। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर इंस्टीट्यूट इंजॉय करता है कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी कि कोई भी यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करता है। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर जो सिलेक्शन है, जो यहाँ पर जो सिलेक्शन किया जाता है, जो मेथडोलॉजी यहाँ पर वो इम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी के बेस पर करेगी, जो कि यहाँ पर इसी पर्पज के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, डी में बोला जा रहा है ओनली 1। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है इसका ये यहाँ पर सी, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट से ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। आप लोगों को पहले बताया था मैंने, अगर एजुकेशन की बात है तो डायरेक्ट आंख बंद करके आप लोग बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो ये यहाँ पर काम करती नजर आती है, ना कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही दे दी। और हमारी कंट्री में जो फोकस किया जा रहा है किस तरीके से लगभग 20 ऐसे इंस्टीट्यूट क्रिएट करने हैं जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग के यहाँ पर हमारी कंट्री में देखने को मिले, और अच्छे लेवल की इनको ऑटोनॉमी भी दी गई ताकि अपना आप काम कर सके, इनके बीच में कोई इंटरफेयर न रहे। तो ये कई सारे यहाँ पर एक तरीके से प्रोविजन किए गए हैं, तो इसके बारे में मोटा मोटा याद रखिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात करें यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। तो जो जैव ईंधन होता है उसके बारे में बात की जा रही है, उसके लिए नेशनल पॉलिसी 2018 के क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला जा रहा है ये पॉलिसी इसके द्वारा एक्सटेंड किया गया रॉ मटेरियल जो भी बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन बनाने के लिए यूज करना है, इसमें आप लोग गन्ना जूस जो यहाँ पर होता है, इसी के साथ में शुगर कैन जो शुगर बीट होती है, इसी के साथ में जो स्वीट सोरगम होता है, स्टार्च होता है, ये सारे मटेरियल यहाँ पर लाइक कॉर्न वगैरह भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि ये सारे कच्चे माल जो कि आप लोग गन्ने का रस, चुकंदर, स्वीट सोरगम, स्टार्च वगैरह, ये सारे यूज किए जा सकते हैं। दूसरा बोला गया यहाँ पर बैन किया गया है जो यूज करने के लिए फूड ग्रेन जो होता है खासकर, ताकि जो हमारी कंट्री में जो इंश्योर किया जा सके फूड सिक्योरिटी, यानी कि लोगों को खाना कम न मिले। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, अगर आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया है तो ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर यहाँ पर ए। रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन ये है, देखिए पहले आप लोग इसके बारे में समझिए, बायोफ्यूल जेल जो जैव ईंधन जिसको आप लोग बोलते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन था वहां पर जो फूड क्रॉप होती है उनका यूज किया जा रहा था, सेकंड जनरेशन एडवांस हो गया यहाँ पर म्यूनसिपल वेस्ट का यूज करने लगे, और थर्ड जो जनरेशन है वो है बायोफ्यूल जो यहाँ पर बायो सी एन जी वगैरह ये है। तो ये अच्छा खासा वर्जन देखने को मिलता है। बाकी बंद किसी को नहीं किया यहाँ पर कि हाँ हम लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो इनको बंद कर दो, नहीं, ये सजेशन है मार्केट में, कई बार डिस्कस किए जाते हैं कि आगे आप लोग फ्यूल के तौर पर इसको यूज करने लगे तो फिर आप लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या करोगे। तो ये एज ए सजेशन मार्केट में देखने को मिलते हैं, ना कि इस तरीके से, ठीक है। आंसर यहां पर ए हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने बात की जा रही है, ये है आरोग्य पचा। आरोग्य पचा एक प्लांट है, उसके बारे में बात की जा रही है, रिसेंटली अभी न्यूज में था, क्यों न्यूज में था वो भी बात करेंगे। पहले स्टेटमेंट है और पूछा गया है नोट करेक्ट, यानी कि कौन से यहाँ पर गलत है। पहले बोला गया कि ये यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डिकोड किया गया जेनेटिक जो यहाँ पर मेकअप जो आरोग्य पचा के अंदर हाई पोटेंट जो मेडिसिनल प्लांट है उसको यहाँ पर चेक किया गया अभी हमारी कंट्री में साइंटिस्ट के द्वारा। दूसरा बोला जा रहा है प्लांट जो है यहाँ पर ये कनी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर जो भी फटिक होता है, यानी कि कोई भी अगर ऐसा लगे कि जान जाने वाली है उस टाइम पर इसका यहाँ पर समुदाय के द्वारा यूज किया जाता था इंसान को बचाने के लिए। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से। मेरे हिसाब से जो सही आंसर है यहाँ पर यह है डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, कोई से भी यहाँ पर गलत नहीं है। तो ये अभी केरला गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली यहाँ पर इसे फोकस दिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जा सके इस पौधे को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये पौधा माना जा रहा है। जिस तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसके अंदर है तो वो काफी इफेक्टिव है, आने वाले टाइम में फायदा देखने को मिल सकता है। और ये कनी ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है यहाँ पर, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछे तो कहां पर है, ये केरला से रिलेटेड है, ठीक है। तो कनी ट्राइबल कम्युनिटी कहां से रिलेटेड है, केरला से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है आइलैंड के बारे में। दो आइलैंड के नाम बोला गया है, एक तो बोला गया एंटीगुआ जो कि कई बार आप लोगों को बता चुका हूं यहाँ पर, एक बोला जा रहा है बारबुदा। तो एंटीगुआ बारबुदा यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड है, कैरेबियन सी, पैसिफिक ओशन में,
यहाँ पर गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में, कैरेबियन सी, और यहाँ पर यह अटलांटिक ओशन, या फिर नन ऑफ द बो। तो ए बी सी या फिर डी आंसर यहाँ पर क्या सही है, एक बार आप लोग देख लीजिए कहाँ की बात की जा रही है। ये हो गया बारबुदा और ये हो गया यहाँ पे हो गया एंटीगुआ। तो देख लीजिए एक बार इसको जूम आउट जब हम करेंगे कहाँ पर ये देखने को मिलेगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया कैरेबियन सी, इधर इधर आएंगे आप लोग थोड़ा सा और उधर आएंगे तो ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी के बीच में आप लोग यहाँ पर ये आइलैंड एरिया देखने को मिलेगा। तो क्या है, कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया सी। तो इस तरीके से मैप लोकेशन जरूर देखा कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है और फिर आप लोग सर खुजाते हैं बैठ के कि यार ये क्या हो गया, तो सुना नहीं कुछ नया आ गया यार, ऐसा लग रहा है कोई नई इन्वेंशन की है। नई नहीं होती, सब पुरानी होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है जेई के टेक के बारे में, बोला जा रहा है इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो किसके तहत यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन तहत यहाँ पर किसके, इंटरनेशनल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर इसको अपने कंट्रोल में रखती है। पहला बोला गया यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर IMF। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लोगों से कोई पूछे ना डायरेक्ट, तो ये क्या होता है, इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों के बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिए इसके बारे में। तीसरा बोला गया UNCTAD और चौथा बोला गया यहाँ पर WTO। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आप लोग खुद समझते हैं यहाँ तक यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। अगर यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट हैं और कोई इसके तरीके का दर्जा जाए तो इसका मतलब सिर्फ सीधा क्या है कि वो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर वो आप लोग मार्केट में खरीद सकते हैं उसको, और वो इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी अगर यहाँ पर GI का टैग का दर्जा किसी को दे दिया गया है। तो किसके तहत यहाँ पर ये दिया जाता है, तो ये जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक काम करती है कि हाँ इस तरीके से यहाँ पर ये फंडा होना चाहिए, और उसी से प्रेरणा लेकर हमारी कंट्री में ये सब बनाया गया है। लेक्चर अगर ढंग से सुन रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से आप लोग दे पाएंगे। एवरेज ग्रोथ रेट इंडिया का जो GDP है वो बोला जा रहा है, अगर डॉलर की टर्म में आप लोग चलते हैं तो 2014 से लेकर 18 तक का वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर लोअर देन चाइना था, यानी कि चाइना से कम यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा बोला जा रहा है जो इंडिया की ग्रोथ है यहाँ पर रियल GDP की, वो यहाँ पर एवरेज रेट जो है 7.5%, ये लास्ट 5 साल में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो ये बात की जा रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बोल जा रहा है 1 only, बी बोल जा रहा है 2 only, सी बोला जा रहा है बहुत, डी बोला जा रहा है नन। सही आंसर क्या है, ABCFD। तो जो सही आंसर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या है, यहाँ पर पहले आप लोग देखिए एक मिनट, ठीक है, आप लोग खुद भी सोचिए एक मिनट के लिए। यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को रियलाइज करनी पड़ेगी, क्या इतने लंबे समय तक हमारी कंट्री में कंडीशन क्या रही है उसके बारे में आप लोग सोचिए एक बार। क्या हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो चाइना से कम है? हमारी कंट्री के बजट जब प्रस्तुत किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो बोला गया ब्राइट स्पॉट है आज के डेट में, जो आज के डेट में वर्ल्ड की इकोनॉमी में हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो इसका मतलब चाइना से भी ऊपर है हमारी यहाँ पर इकोनॉमी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर है बी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो ग्रोथ रही वो यहाँ पर चाइना से भी यहाँ पर ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रही है। बाकी इकोनॉमी का साइज है आप लोगों के सामने, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगर बात करें अपनी कंट्री का, तो आप लोग देखें यहाँ पर, अगर यहाँ से आप लोग चलते हैं तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 तक अगर आप लोग चलेंगे तो लगभग 7, 7.5 से यहाँ पर ऊपर देखने को मिली। अभी आकर ये और ज्यादा नीचे यहाँ पर हो गई है हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है रिसेंटली। अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, इसी के साथ में कंडीशन अच्छी नहीं है, ऑयल का प्राइस ज्यादा हो रहा है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हैं आज की डेट में। आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया इसका बी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 और 182, ये किससे रिलेटेड है, और ये काफी न्यूज में था और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए बोला जा रहा है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, दूसरा बोला जा रहा है अडेप्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अडेप्ट करनी है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है रेगुलेट करने के लिए फूड प्राइस एंड द फूड सिक्योरिटी, तीसरा बोला गया जेंडर प्रायोरिटी एट द वर्क प्लेस, यानी कि जो कार्यस्थल पर लिंग समानता। कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए बी सी एफ डी? आंसर यहां पर सही है, ये है इसका ए, क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ताकि बच्चों को चाइल्ड लेबर से बाहर निकाला जा सके, ये इस बात पर फोकस देने की बात यहां पर करता है। अगर बात की जाए यहाँ पर 138 कन्वेंशन जो था यहाँ पर ये बात करता है कि एक जो बच्चे की एज होती है उसको आप लोगों को हजार्स वर्क में आप लोग काम नहीं करने देना है, और सेफ्टी की बात यहाँ पर बच्चे की जा रही है। हमारे संविधान में आर्टिकल 24 भी यहाँ पर चाइल्ड लेबर को बंद करने की बात करता है, तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अच्छे से इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन के आंसर देते हैं, इसी तरीके से एंजॉय करते रहना है। लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को, अच्छा लगता है, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी PDF जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।